नम्मा बेंगलुरु आज की डेट ऑफ जर्नी दिस इज 7 अप्रैल सुबह के बज रहे हैं अराउंड 5:30 और करंट लोकेशन अगर मैं आपको दिखाऊं दिस इज बेंगलुरु का शांति नगर बस स्टैंड और यहां से तो मानिए मैं फर्स्ट टाइम KSRTC की बस बोर्ड कर रहा हूं आपके लिए एक और वॉल्वो की लग्जरियस बस जर्नी और वो भी गवर्नमेंट बस दिस इज एरावत क्लब क्लास आज का जो रूट हम ट्रैवल कर रहे हैं आपको बता दूँ दिस इज बेंगलुरु टू ऊटी मैंने सोचा चलिए एक हिल स्टेशन की जर्नी भी की जाए यहाँ क्या कर रहे हैं लगभग 2 दिन आप मान लीजिए आप द सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया बेंगलुरु में ब्रेक लिया थोड़ा बहुत चिल किया खाया पिया बस एंजॉय किया अब यहाँ से रवाना होने के लिए तैयार आप देख लीजिएगा दिस इज शांति नगर बस स्टैंड अब जो बता रहे हैं एरावत क्लब क्लास वो आएगी यहाँ पर कहीं पर दुआ यही है सब दुआ यही है बिकॉज गवर्नमेंट बस है उसका अराइवल यही हो तो सबसे पहले आपको अराइवल दिखाएंगे और आज की एक और आपको बस जर्नी दिखाएंगे इस हैशटैग ऑसम अप्रैल में आपके सामने बैक टू बैक जर्नीज आ रही हैं ट्रेन जर्नीज और अब एक बस जर्नी भी और सोचा चलिए ऊटी घूम कर आते हैं ठीक है तो वो यहाँ पर बताया जा रहा है यहाँ पर हमारी KSRTC की एरावत क्लब क्लास आएगी शुरू करें या देखो आपको स्टाइल बताते हो ऐसे नहीं थोड़ी सी स्माइल के साथ और एक लाइक के साथ इस वाले धमाकेदार ब्लॉग की शुरुआत करते हैं मेरा नाम है डोलेश और आप देख रहे हैं 200 जर्नीज सुबह आप मान लीजिए अराउंड 5:30 की अगर आप देखोगे यहाँ पर आप गवर्नमेंट बसेस तो देख सकते हो BMTC की पूरी आप यहाँ पर सब बसेस वगैरह देख सकते हो तो चेहरे पे स्माइल बनाए रखिए वीडियो को लाइक करते जाइए और बस हमारे संग घूमते जाइए द हैशटैग देखो अपना देश ये बस स्टैंड आपको दिखाई रहा हूँ देखो अभी यहाँ पर एक ये आई है एरावत क्लब क्लास दिस इज़ B9R ये आई है 2 विराजपेट आई गेस अगले 10-15 मिनट में इसका डिपार्चर है यहाँ पर आप देख लो ये पूरा KSRTC का है यहाँ पर हमारे संग सौम्य जी हमारे मौजूद ये देखो पूरा यहाँ पर इंक्वायरी काउंटर वगैरह बट फिलहाल यहाँ एक भी इंसान नहीं है देखो ये वेटिंग लाउंज भी है आपको यहाँ पर मिलेगा बट फिलहाल यहाँ कोई भी नहीं है मतलब KSRTC का मैंने पहली बार देखा इतनी बुरी हालत है मे बी बिकॉज ऑफ क्या अर्ली मॉर्निंग है ना सुबह 5:30 बज रहे हैं मे बी इसकी वजह से बट यहाँ एक इंसान नहीं है बताने वाला कि भाई साहब बस कितने बजे आएगी बस का नंबर सोचो बस का नंबर भी नहीं पता मेरे को अभी तक तो जो SMS है ऑनलाइन बुकिंग की है बस का उसमें नंबर ही नहीं है बट आप यहाँ देख सकते हो ये देखो पूरा आपको दिया हुआ है रावत क्लब क्लास का कौन सी बस कितने बजे जाएगी शांति नगर बस स्टैंड से आप देख लीजिएगा आर यू रेडी फॉर वन मोर जर्नी आर यू रेडी पूरा लगेज वगैरह आप देख सकते हो चलो देखते अभी तो फिलहाल ये आई है हमारी बस कितने बजे यहाँ पर अराइव होती है लेट्स सी बस दुआ यही है कि बस आ जाए गवर्नमेंट बसेस का मैंने आपको उदाहरण सच में मेरे को बिल्कुल भी भरोसा नहीं है बट KSRTC भी तो कर सकते हैं यार बिल्कुल राइट टाइम मैं कहूँगा हमारी बस आ चुकी है 6:00 और आप देखिए यहाँ पर KSRTC की आपको दो वॉल्वो B9R एरावत क्लब क्लास आपके लिए छोटा सा होमवर्क एरावत क्लब क्लास की टैगलाइन क्या है स्लोगन क्या है अगर आपको जवाब पता है ज़रा कमेंट करके बताइएगा फाइनली लाइट आती हुई आप यहाँ पर देख लीजिए आपको बताया ना दिस इज शांति नगर बस स्टैंड यहाँ से लोकली कौन कौन ये व्लॉग देख रहा है ज़रा बताइएगा बेंगलुरु से ऊटी आप मान लीजिए कुछ अराउंड 300 किलोमीटर टाइम लगेगा 6 से 8 घंटे बिकॉज घाट वगैरह भी है पूरी जर्नी आपको दिखाएंगे बेंगलुरु से ऊटी का जो रूट है ना आप रूट देखिएगा भाई साहब और बिकॉज KSRTC की बस है सुपर कंफर्टेबल खाना पीना कहाँ ब्रेक होगा सब कुछ आपको दिखाएंगे ये देख लीजिएगा यहाँ पर आपको फिर से दिखा दूँ एरावत क्लब क्लास भाई KSRTC की बस का ना मज़ा ही अलग है अभी मैंने कल्याण रथ भी की है प्लस अंबारी उत्सव भी की है अगर आपने वो ब्लॉग नहीं देखे चैनल पर लाइव है लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ वाले ब्लॉग्स देखिएगा ज़रूर चलिए एक और जर्नी की एक और KSRTC की बस जर्नी की यहाँ से शुरुआत करते हैं मज़ा आए यहाँ पर आप देख लीजिएगा हमारी बस आ चुकी है दिस इज़ वॉल्वो B9R कंडीशन मैं कहूँगा कंडीशन फिलहाल कंडीशन उतनी नहीं कोई पुराना मॉडल है कोई बात नहीं सबसे पहले आपको इंटीरियर दिखा दें ड्राइवर दादा हमारे संग यहाँ पर है यहाँ पर आप देख लीजिएगा दादा लाइट पूरा है थोड़ा और लाइट मिलेगा फुल लाइट है चलिए मैनेज करेंगे लाइट्स के संग 2x2 का कॉम्बिनेशन हो गया और आप देखोगे दिस इज़ पुश पुल आपको मिलेगा वहाँ पर चार्जिंग पॉइंट हो गया प्लस पीछे की तरफ आपको USB चार्जिंग भी यहाँ पर ये देखो प्लग चार्जर भी दिया गया है ये हो गया आपका लगेज रखने के लिए टोटल पैसेंजर कैपेसिटी इसकी होनी चाहिए 47 के आसपास हमको जो हमने जो सीट ली है आई गेस 1920 शायद नहीं 2728 लिए पीछे देखो अंधेरा है थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा ये देख लो ये पूरा आप देख सकते हो फर्स्ट क्लास
KSRTC की अगर आप देखोगे वॉल्वो B11R का कलेक्शन अलग है, एरावत क्लब क्लास अलग है, अंबारी ड्रीम क्लास अलग है, बट ये वाली बस मैं कहूँगा उतनी क्वालिटी वाइज, चलिए ठीक है, खैर कोई बात नहीं। आप चार्जिंग पॉइंट वगैरह हो गया, एकदम हेडरेस्ट वगैरह अगर आप देखोगे मेरे हिसाब से सब एकदम फर्स्ट क्लास। एमरजेंसी एग्जिट हो गया, हमारे संग हमारे ड्राइवर अन्ना मौजूद। सब ठीक है ड्राइवर अन्ना? सब ठीक ना? गुड मॉर्निंग। हाँ मॉर्निंग। थोड़ा यहाँ पर लैंग्वेज का होता है, खैर कोई बात नहीं। रजिस्ट्रेशन आप देख लीजिए कर्नाटका का है ना, यहाँ पर आप देख लीजिए। केबिन राइट कोशिश करेंगे अगर आपको आगे दिखा पाएँ। चलिए ड्राइवर दादा सीट पर बैठते हुए थोड़ा सा बस को बस आगे की तरफ लेंगे। एक बस लवर से पूछिए, मज़ा आ गया। KSRTC की आपके सामने अब आई फ्लाई बस टूवर्ड्स एयरपोर्ट, बेंगलुरु एयरपोर्ट, मेरे हिसाब से विथ वॉशरूम ऑन बोर्ड। हाँ देखोगे अगर आप, दिस इज़ फ्लाई बस, पीछे आपको वहाँ वॉशरूम भी मिलेगा। इसका भी ब्लॉग चैनल पर लाइव है, इनकेस अगर आप, यस पीछे आप वहाँ पर वॉशरूम देख सकते हो। मतलब अगर आपको बेंगलुरु में से बेंगलुरु एयरपोर्ट कहीं जाना है ना, आप देखिए कलर कॉम्बिनेशन, आप देखिए F, आप देख सकते हो दिस इज़ फ्लाई बस। भाई KSRTC की बस का ना सच में कोई जवाब नहीं। और ये आप जो देख रहे हो दिस इज़ वॉल्वो B11R। यार वीडियो को लाइक करते जाइएगा, इतनी इन्फॉर्मेशन आपके सामने शेयर की जा रही है KSRTC की। जरा आपको पूरा दिखा दो, ये देखिए मतलब ज़बरदस्त भाई साहब, इसका कोई कंपैरिजन। मैं आपको बता रहा हूँ हम बस जर्नीज आप देख रहे हो थ्रू आउट पैन इंडिया में कर रहा हूँ, बट जो कर्नाटका का है ना कलेक्शन आप कह लो मतलब अलग ही है भाई, क्लास ही अलग है। आप देखो वहाँ पर एरावत क्लब क्लास, आप कलर्स देखिएगा सब डिज़ाइन वगैरह देखते हैं एक्सटीरियर, यहाँ आप देखो फ्लाई बस का। फर्स्ट क्लास जर्नी चल रही है, इट इज़ अराउंड 7:30 और आपको ये दिखाना बनता है दिस इज़ बेंगलोर मैसूर एक्सप्रेसवे। आपको बता दूँ दिस इज़ NH25 एंड मेरे हिसाब से दिस इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम मैं इस वाले एक्सप्रेसवे पे ट्रैवल कर रहा हूँ। जो मैंने आपको पहले जर्नीज दिखाई थी जब ये एक्सप्रेसवे बन रहा था, और आप देखिए फाइनली इसको ओपन कर दिया गया है। दिस इज़ 10 लेन एक्सप्रेसवे और बेंगलोर से मैसूर आप देखोगे तो ये एक्सप्रेसवे की लेंथ आपको बता दूँ अराउंड 120 किलोमीटर्स। वॉल्वो करंट स्पीड आप देखिएगा, यहाँ पर हमारी केबिन राइड चल रही है वॉल्वो दौड़ती हुई एट द स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर्स पर आवर। यहाँ पर आप ये एक्सप्रेसवे देखिए, आप देख सकते हो मैसूर इट इज़ 120 और NH275, ठीक है ना। प्लीज़ आपसे फिर कहूँगा जब भी आप ट्रैवल कर रहे हैं बस जर्नीज में हैं, साफ़ सफाई ज़रूर बनाए रखें। और आपको पता ही है नेशनल हाईवेज़ का तो खैर जो कंस्ट्रक्शन देखा जा रहा है ना, बिल्कुल आप देखो स्मूथ रोड, आप देखिए यहाँ बैठ जाओ केबिन राइड और देखो, बिकॉज वॉल्वो है तो आपको मिलता है इसमें रेयर इंजन फर्स्ट क्लास, इस वाली में आपको मिलेगा। आपको बता दो दिस इज़ मैनुअल गियर, बिकॉज आपको बताया ना B9R है। ये देखिए अलग ही मज़ा है, वॉल्वो का वॉल्वो हो गए और नेशनल हाईवे या एक्सप्रेस वे आप कह लीजिए इसका मज़ा ही अलग है। चलिए आपके लिए छोटा सा होमवर्क और देते हैं, कर्नाटका में कितने स्टेट हैं ज़रा कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और जो ये हम जर्नी कर रहे हैं ये कौन से स्टेट में होने वाली है, कर्नाटका से ऊटी, ये हो गया तमिलनाडु। आप देख लीजिए फर्स्ट क्लास जर्नी जहाँ पर चलती हूँ। सिटी ऑफ पैलेसेस मैसूर में आपका स्वागत है। करंट वक्त इट इज़ 9:30 और मेरे हिसाब से हम चल रहे हैं बिल्कुल ऑन टाइम। मैसूर को दो नाम और दिए गए हैं, हेरिटेज सिटी हो गया और कल्चरल कैपिटल ऑफ कर्नाटका। आपको यहाँ पर आई गेस 9 प्लेटफॉर्म्स शायद यहाँ पर हैं और बेंगलोर के लिए 4 बस स्टैंड हैं, उनमें से सबसे इम्पॉर्टेंट ये देखिए कर्नाटका सरिगे। आप यहाँ माहौल देखिए, मतलब आप बोलिए और वो बस आप यहाँ पर देख सकते हैं, हार्डली 5 मिनट का स्टॉप है। वॉशरूम आप यूज़ कर सकते हो, लेडीज़ जेंट्स दोनों का यहाँ पर फर्स्ट क्लास वॉशरूम, नीट एंड क्लीन आप देखिए। और पब्लिक का तो भाई साहब आप जितनी बात करोगे, एवरी डे का ट्रैफिक आप मान लीजिए 1-2 लाख लोग। देखो थोड़ा केयरफुल, एक और आई
कर्नाटका सरीगे, ये हुई ना कुछ बात भाई। ये है जर्नीज का मज़ा, फर्स्ट क्लास आपको खाना पीना मिल जाएगा। बस को लगाया गया है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर जाना मेरे को। यहाँ पर आप बसेस देखिए, लोग देखिए, मतलब आपसे कह रहा हूँ ना, जो आप ऑन स्क्रीन जो आप कैमरा देख रहे हो ना, दिस इज़ नथिंग। आने वाले टाइम में सोचिए और कितना ट्रैफिक बढ़ेगा। और बेंगलोर टू मैसूर एक्सप्रेस वे, भाई साहब मज़ा आ गया, मक्खन की तरह वॉल्वो चलती है, ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। चलो आई गेस ये देखो, यही है जहाँ तक मेरी बस, यही है रावत क्लब क्लास मल्टी एक्सल आपको मिलेगी। व्लॉग को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आपके सामने बैक टू बैक बस जर्नीस। मैसूर एयरपोर्ट के बिल्कुल सामने लिया है हमने ब्रेकफास्ट स्टॉप। पहले आपको एयरपोर्ट दिखा दूँ, आप वहाँ एयरपोर्ट देख सकते हो, यहाँ पे आप हमारी बस देख सकते हो, और ये वो होटल है रुचि गार्डन जहाँ पर हमने ब्रेकफास्ट के लिए ब्रेक लिया। आप देखेंगे अंदर खाना पीना क्या होगा वो मैं आपको दिखाऊँगा। सबसे पहले आपको कॉस्टिंग बता दूँ, इट इज़ बेंगलोर टू ऊटी इट इज़ अराउंड 800 रुपीज़ पर पर्सन, ठीक है। आप ऑनलाइन बुकिंग वगैरह सब कर सकते हो। यहाँ पर आप बस देख लीजिएगा, डीजल पूरी तरह से फुल, लेंथ आप मान लीजिए मेरे हिसाब से B9R लगभग 13 मीटर। यहाँ पर दो ड्राइवर दादा है, और शायद यहाँ पर ड्राइवर दादा की ड्यूटी चेंज होगी। और इतने दिन बाद एक बस जर्नी की है, आ गया मज़ा। चलो पहले अंदर चलेंगे, अंदर खाने पीने में क्या है, भूख लगी है। सुबह सोचो सुबह कितने बजे, 4 बजे ही मैं उठ गया था, लगभग 10 बज रहे हैं। वहाँ देखो, वहाँ शायद चाय वगैरह भी सब, वहाँ पर भी आप देख सकते हो। पहले अंदर चलते हैं, सब पैसेंजर उतर गए सब चले गए भाई खाना पीना खाने, पेट पूजा करने। तो वेदर यार थोड़ा सा बारिश या थोड़ा सा ठंडा होता ना और मज़ा आता। हमारा एकदम गर्मा गर्म मसाला डोसा यहाँ पर तैयार। एक हमने वाटरमेलन जूस लिया है, और प्लस हमने लिया है पाइनएप्पल जूस। और इन केस अगर आप इस वाले होटल पर रुक रहे हो, रेस्टोरेंट पे, ये आप मेन्यू देख लीजिएगा, यहाँ पर जो जो अवेलेबल है पॉज करके आप देखते जाइएगा क्या क्या है। और देखो भाई साहब, कर्नाटका के डोसे का ना रिव्यू आपको ये मान लो देना ही बेकार है। आप टेस्ट कीजिए एकदम गर्मा गर्म जो ये डोसा बनाते हैं एकदम कड़क। और देखो जितने भी पैसेंजर आप देखोगे ना, सब उतरे हुए हैं, यहाँ पर सबका खाना पीना ब्रेकफास्ट वगैरह चलता हुआ। सोचो जितने भी लोग देख रहे हो ना, ये सब हमारी बस के, पूरी बस ही मानिए लगभग फुल जा रही है, 47 पैसेंजर्स जगह। वहाँ आप सामने आप हमारी बस देख सकते हो, और यहाँ पे फर्स्ट क्लास नाश्ता पानी चलता हुआ। समय डोसा कैसा है? एक नंबर का क्वालिटी, एकदम गर्मा गर्म एकदम फ्रेश। और यहाँ की जो चटनी और सांभर आपको मिलती ना कर्नाटका की, मन करता है सांभर खाते जाओ और चटनी पीते जाओ। लाजवाब। जूस वगैरह भी सब ठीक है ना, सब कुछ रीजनेबल बजट है। यही है यार, मैं आपसे कहता हूँ ना, खाते रहिए, घूमते रहिए, और हमारे संग वर्चुअली एक्सप्लोर करते रहिए। और अगर नोटिस किया हो, हाँ, जितने भी लोग हैं, जितनी भी जगह, सब पर मसाला डोसा, मसाला डोसा चल रहा है, और इडली चल रहा है। और फर्स्ट क्लास आपको यहाँ पर वॉशरूम भी मिलेगा, ठीक है। खाने दो यार, ज़रा ब्रेकफास्ट खाने दो। शुरुआत की थी कुछ सुबह 6 o'clock ऑफिशियल टाइम यहाँ का था, ऊटी बस स्टैंड का 3 बजे का, 2 बजे का, 2 बजे का ऑफिशियल बस टाइम था, 2 बजे का। हम आए हैं 3, आपको बता दूँ अब हम हैं तमिलनाडु के नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में, और ऊटी लोकेटेड है कुछ अराउंड 2200 meters अबव द सी लेवल। और निक नेम अगर आप देखोगे तो इसको कहा जाता है क्वीन ऑफ हिल स्टेशन, अच्छा, बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटी। देखो आप ये बस स्टैंड देख सकते हो, और रेलवे स्टेशन इनके अगर आप सोच रहे हो तो जो स्टेशन का नाम क्या है, उद्गम मंडला, वो स्टेशन यहाँ से हार्डली 5 मिनट की आप वॉक कीजिए, वहाँ पर आपको स्टेशन मिल जाएगा, ठीक है। आपके सामने पहले मैं आया था टॉय ट्रेन से, अगर आपको याद हो, इस बार मैंने आपके सामने बस जर्नी। और आप अगर आप सोच रहे हो भैया ऊटी टॉय ट्रेन का व्लॉग आएगा, यस टॉय ट्रेन का व्लॉग भी आपके सामने बहुत जल्द आएगा। बस हंसते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए, और हमारे संग वर्चुअली एक्सप्लोर करते रहिए। आप पीछे देख सकते हो KSRTC की एरावत क्लब क्लास, ये देखो यहाँ पर आप पूरा ये बस स्टैंड आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है ना। और प्लीज़ साफ सफाई बनाए रखिए, ज़रूर बनाए रखें। देखो वेदर यहाँ पर अभी उतना ठंडा नहीं है, नहीं, बट कंपैरेटिवली बेंगलोर से यहाँ पे अच्छा मौसम है, नीचे जो हाल था पर यहाँ पर ये सही हाल है, ठीक है। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द, टाटा, टेक केयर।